वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट एफएसए में आप सभी का स्वागत है कश्मीर आया हूं मागाम में गुलजार बिन अकबर ड्राई फ्रूट स्टोर पर और ये है इनके ओनर असल गुलजार भाई गुलजार भाई की जो दुकान है वो यहाँ पर गुलमर्ग रोड पे आती है मागाम में और एक कुंजर में भी है इनकी शॉप और इनकी शॉप हमने दो आई थिंक ट्वेंटी में कोविड के बाद शूट की थी तब से ले अब तक के इन्होंने पूरे देश भर में ड्राई फ्रूट्स डिलीवर किया है एंड वी हैव सीन ऑलमोस्ट नाइन्टी

हमें अब पता चला कि भाई उनका भी कमीशन होता है लेकिन गुलजार बिन अकबर ड्राई फ्रूट शॉप ऐसी शॉप है जहाँ पर आप आप गवर्नमेंट के गाइड से आइए आप प्राइवेट गाइड से आइए खुद की कोई भी गाड़ी कीजिए और गाड़ी वाले को कमीशन नहीं जाएगा जो रेट हम बता रहे हैं वही रेट आपको देखिए भाद भाई मैं एक बात बोलूँ हर एक दुकानदार अच्छा होता है मगर मैं एक ही बात बताऊँ एक मुसलमान गरीब हो सकता है कमज़ोर हो सकता है बुजदिल हो सकता है मगर वो झूठा नहीं हो सकता है मैं आपको ये क्लियर चैलेंज देता हूँ बेमान नहीं हो सकता है। देखिए हमें भी आर्डर कोई मिस हो जाता है तो फिर कमेंट लिखता है या कोई करता है तो शाम को जब कोई कमेंट uh, करता है रनिंग uh, आदमी या तो इसके दिल में ये होता है कि uh, बाकी लोगों ने फ्रॉड किया होता है मगर हमारे पास ये जो कमीशन न देने का मसला ये क्योंकि जब कस्टमर आते हैं बाहर से वो ये सोच के आते हैं कि हमें कश्मीर घूमने जाता है ना कि उनके जहनों में ये होता है कि हमें लूटेंगे वहाँ कम, कम, कम से कम कम से कम यहाँ के जो बेहेव हमारा रहेगा शॉप पे कम से कम उनको ये दिल में रहना चाहिए हम दोबारा कश्मीर जाएंगे रहना? क्योंकि धोखा नहीं होना चाहिए दूसरी बात ये देखिए अलहद मैंने इतना ही देख पाया है इस बिजनेस में क्योंकि जो सच्चाई में फ़ायदा है नो कमिशन देने में फ़ायदा है सुकून है अलहमदिल्ला वो कहीं पे नहीं है क्योंकि जो भी बाहर से आते हैं कस्टमर हमारे पास आधे लोग बोलते हैं हमें गुलजर भाई हमने साइड में गाड़ी रखी हम आ गए चुपके से यहाँ कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाइए हमारे पास यहाँ पार्किंग का भी है दूसरा यूनिट हमारे कुंजर यूनिट है जहाँ आपका दिल करे आप फिर देख लीजिए जहाँ पे कमीशन का मसला होता है आपको कितना महंगा मिले और क्वालिटी नहीं मिल सकती है जहाँ पे कमीशन का मसला हो नहीं क्वालिटी लोग झूठ बोलते हैं मैं आपको चैलेंज देता हूँ हमारे पास जो केसर है आप लेब में लेके जाइए अब बताओगे अफादा कैसे मिलेगा आपको क्योंकि सबसे यहाँ पे जो 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 जिस जिन लोगों के पास, के पास केसर की खेती होती है किसी के पास सौ ग्राम निकलता है हम सौ ग्राम ही एक साल के लिए एक्सेप्ट करते हैं लोग ये मत फिर बताते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है किसी के पास आधा किलो निकलेगा हम वही कलेक्ट करके रहते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं अलहमदिल्ला केसर में चाहे दस लाख बीस लाख तीस लाख वो अला बेटर जानता है ये तो पर्सनल मसला होता है तो मैं इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि जो कश्मीर वाला है उसी पर हम लेबल लगाते हैं हम ईरान वाले पे नहीं बचते लगाते आधे दुकानदार फिर बोलते हैं नहीं यहाँ खाली ईरान का ही मसला है क्योंकि जिसको क्वालिटी बनानी होती है वो क्वालिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है क्योंकि हम क्वालिटी इसलिए मेंटेन रखते हैं क्योंकि हमें कमीशन का मसला नहीं है क्योंकि हमें पता है जो बाहर से कस्टमर आते हैं वो तभी यहाँ आते जब अल्लाह का चाहना होता है तो अल्लाह ने यहाँ भेजा फिर आप डिसाइड कर दीजिए अगर कस्टमर को महंगा या फ्रॉड मिला तो अल्लाह के अल्लाह के साथ धोखा हुआ या कस्टमर के साथ आप भी डिसाइड कर लीजिए इसलिए आपको कश्मीर आना है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट अच्छी बात है मगर आप आइए हर एक जगह आप चेक कर लीजिए हर एक जब ड्राई फ्रूट वाले को इतना ड्राई फ्रूट बनाना आता है तो उसके पास लेब रिपोर्ट क्यों नहीं है केसर का उसके पास शिलाजीत का लेब रिपोर्ट क्यों नहीं है क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें हम भी बदनाम हो जाते हैं नहीं हर एक फिर बदनाम हो जाता है या फॉरन से कोई आए वहाँ पे ये नाम नहीं लेते फिर हम कश्मीर आए वहाँ बोलते हैं हम इंडिया आए हकीकत भी यही है जब यहाँ फ्रॉड एक करता है फिर ये वहाँ नाम लगता है नहीं इंडिया में हमारे साथ फ्रॉड हुई है right. इसलिए दिन बे दिन मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कस्टमरों को हर एक चीज पता है वो हंसते हैं फिर जब कोई दुकानदार उनको ये बताते हैं काजू भी कश्मीर का वो जब यहाँ आते वो फिर बोलते गुलजार भाई हम इस आपके लिए आपके पास इसलिए आए क्योंकि वहां से बता रहे काजू भी हमारे पास है कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि लोगों को धोखा मत दीजिए बिजनेस में सेल करना जरूरी नहीं है बिल्कुल में बरकत बरकत पाइए क्योंकि बरकत होनी चाहिए तो बिजनेस आगे खुद ही बढ़े बहुत अच्छी बात बोली गुलजार भाई आपने ये बात दोबारा बता है हमारे गुलजार भाई का जो बिजनेस है ना वो स्टूडेंट के बेस पे चले हमें पता है गरीबी क्या होती है अमीरी क्या होती है हमारी रिक्वेस्ट है मैंने इसलिए ऑफर रखा है हर एक के लिए आप आधा आधा किलो भी मंगा सकते हो आप मजबूर मत हो जाए डिलीवरी चार्ज कितना रहता है ठीक अगर जो हमारा दिल्ली जाता है वहाँ पे फिफ्टी रुपीज पर के जी का लगता हाँ। है

एक्सेप्ट करेगा देखिए जहाँ पे पोस्ट ऑफिस से जाएगा पोस्ट ऑफिस वाले सीओडी नहीं करते एक्सेप्ट <laughs> तो कैसे हम भेजेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही बात के? तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है नो मिनिमम ऑर्डर नो मिनिमम और किलो भी ऑर्डर कर हैं द बेस्ट पॉसिबल रेट आपको मिलेगी जी. एक और चीज मैं आपको बता दूं इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया जब हमने आ दो हजार बीस इक्कीस में वीडियो बनाया था कम्पेयर टू अभी इनका भी एक स्पेशल डिस्पैच डिपार्टमेंट है जो ये भाई हैंडल करते हैं एक बंदा है जो ट्वेंटी फोर सेवन जो है वो तो तो कस्टमर सर्विस हैंडल करता है, है अल्लाह का लोग आमतौर पर हमने वीडियो वीडियो बनाया फिर नहीं अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्रिया हम फोन अटेंड करते हैं फिर भी आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाओ की ये लोग फोन नहीं अटेंड करते नहीं एक्चुअली आप थोड़ा सबर रखिए भाई अगर ये किसी और कॉल पे है तो आपको कॉल बैक आएगा या कुछ समय बाद व्हाट्सएप कीजिए सबसे देखिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, है हमारी सबसे रिक्वेस्ट है हमारे जो स्क्रीन पे तीन नंबर है आप WhatsApp कर दीजिए WhatsApp बेफिकर तुरंत तो बेफिकर हो, हो गए WhatsApp कोई कोई लोग हैं उनको ऐसा है कि भाई बात करेंगे तो इतमान आता है कि भाई ये बंदा जेनुइन है बट आप एफ पे भरोसा कर सकते हो ये बंदा बिल्कुल जेनुइन है हम किसी फ्रॉड से एसोसिएटेड नहीं रहते हैं आप हमारे भरोसे इन पे ऑर्डर कर सकते हैं एंड योर मनी विल बी इन द हैंड्स ठीक है आप प्रोडक्ट इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें वो दिया है हम किसी आ, के पैसे नहीं खाएंगे चलिए आप प्रोडक्ट बताते हैं उम्मीद करते है दोगे आप हमारे दर्शकों को देखिए भाई हमारे पास कश्मीरी मामरा है ये देख लीजिए आप अब एक ही रिक्वेस्ट है जब वीडियो हम बनाते हैं ये एक ट्री का रहता है ये देख लीजिए आप ये हो गया एक ट्री का इसका साइज ये है इसका साइज ये है अगर कश्मीरी मामरा का सेम साइज सारे का होगा एक क्विंटल का दस क्विंटल का दस टनों का फिर ये ऑर्गेनिक नहीं रहता क्योंकि ये नेचुरली एक एक जाड का होता है कश्मीरी मामरा ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है ओके। आप समझ लो कश्मीरी मामरा एक किलो आप खाओ कैलिफोर्निया हो गया हंड्रेड के जी कैलिफोर्निया कश्मीरी बादाम अगर काला होगा फिर भी दिल का ये साफ है क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है और कैलिफोर्निया जो बाद है ना वो खाली नाम का बादाम है खाली वो फंक्शन के लिए लगता है क्योंकि मेहमान को लगे ये बड़ा बादाम शक्ल से अच्छा है

एक तो ऑयल है ऑयल दूसरी बात जब कस्टमर यहाँ से लेते ना वो बोलते हैं फिर भाई इसमें ऑयल नहीं है मगर आपको ऐसे तोड़ना है एक सफेद सा कागज लाना है सफेद सा कागज हम ऐसे प्रेस करके दिखाते हैं ऑयल ये देख लीजिए आप बेस्ट है कि जब आप आपको आप घर पूछेगा ऑर्डर आप इतना सा एक तिनका उठा लीजिए भाई ये करने की भी जरूरत नहीं आप भरोसा कीजिए हम पर बिल्कुल ऑयल वाला प्रोडक्ट निकलेंगे ये देखिए आप ये, ये इसका तो तो आप ये कह रहे हो कि कैलिफोर्निया बादाम जो होता है उनमें इतनी ऑयल की क्षमता होता, होता, होता है लेकिन कम होता है उसमें होता है कम मगर वो फार्म का है ये ऑर्गेनिक है इसमें कोई केमिकल नहीं है कोई एसिड वाश नहीं है कैलिफोर्निया बाद जब तुड़वाई होती है उससे पहले वो एसिड से धोया हुआ रहता है फिर उसकी फिनिशिंग करते हैं फिर वो ड्रायरों से ड्राई हो जाता है कश्मीरी बादाम तो ये तो सन ड्राई रहता है क्योंकि अगर धूप में इंसान भी बैठता है तो वो भी सेहत के लिए अच्छा है तबल तो ये बादाम है और दूसरी बात इस वक्त हम वीडियो में बताएंगे जब तो आप देड़, देड़ कर, भी बता आप ऑर्डर हमारे पास जो कश्मीरी मामरा है वो वन थाउजेंड एटी रुपीज के जी है कम हो गया ये पहले और बहुत से लोग बारह सौ बारह सौ में बेचते हैं तो इसलिए अच्छा कम था हमारे पास इस साल जो जिसके पास दस क्विंटल निकलते थे जो फार्म वाले होते उसके पास चार ही क्विंटल है okay. इसीलिए क्रॉप कम है इसीलिए रेट ज्यादा ओके बट आपका रेट फिर भी कंपैरेटिवली कम ही लगा मुझे क्योंकि दूसरे लोग बारह इस साल टोटली हमारे पास 1080 रुपीस। हाँ इस वक्त ये रेट है

वो वापस भेज सकता है जब तक वो वापस भेजेगा उसका फिफ्टी रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि वो जो हमारे पास बादामी है, और बादाम हुँ, है। हुँ। है। ये ऑर्गेनिक बादाम कश्मीरी मामरा है क्योंकि ये कैलिफोर्निया की तरह नहीं सड़ा हुआ जिसका वैलिडिटी सिक्स मंथ सेवन मंथस रहता है क्योंकि ये प्योर है देखिए साइज आपके पास छोटा आएगा मगर आपके सेहत के लिए बेस्ट है बड़ा साइज कभी नहीं कश्मीरी मामरा आपको आएगा ये ये मामरा बदामी है जी जी ये कश्मीर का मामरा है ओके ओके दूसरी बात ये देखिए आ, जो गुलजार भाई आपको कि जो ये करवट है ना ये इम्पोर्टेड करवट है ओके ये कश्मीर का नहीं है किसी भी शॉप पे आप जाओ आपको बताएंगे ये कश्मीरी है ये वाला तो ये ये दिखने में अच्छा है ये कैलिफोर्निया करवट है क्योंकि आप कैलिफोर्निया वाले भी चालाक बन गए वो भी करवट कश्मीरी नाम पे बेचते हैं वहाँ से तो यहाँ भी आपको बताएंगे इसी को कश्मीर थोड़ा बिटर होता है देखिए इसमें ऑयल ज्यादा होता है इसमें आपको खाने में ही आपको लगेगा ना हम कुछ बादाम खा रहे हैं अच्छा थोड़ा ये वाला है ना ये वाला ये एक तो ये सिक्सटीन हंड्रेड के जी है सोलह सौ रूपये इससे महंगा है हाँ। दूसरी बात जो ताकत कश्मीरी में वो इसमें नहीं है ओके। कश्मीर का अगर चाहिए ना इसमें से कोई so ये कैलिफोर्निया का बादाम है ये कश्मीर ये का साइज में छोटा होता है कश्मीर टोटली जीरो साइज रहता है ये बहुत सही बात बोली भाई कैलिफोर्निया बादाम वर्सेज कश्मीरी बाद कस्टमर को कहा पता है ये इम्पोर्टेड है मगर हमारा फर्ज बनता है लोगो को अवेयर करना है हाँ आप लीजिए देखिए हम क्लियर बता दिए काजू यहाँ का नहीं है नहीं। जब हमें ऑर्डर आते हैं वो बोलते हैं गुलजार भाई डालो काजू दस किलो भी इसमें कोई इशू नहीं हमें पता है से वो ये भी क्लियर करते कि से हम हमको बताया कि काजू भी यहाँ का है और ये मैंगो भी यहाँ का है हमने अवॉइड कर दिया आप डाल दो वहाँ क्योंकि कस्टमर लेते हैं मगर कस्टमरों को ये जहन में आना चाहिए ये हकीकत है या गलत है सही बात है और दूसरा ये देखिए अगर कश्मीरी करवट चाहे ना वो ये होता है हाँ देखिये हम आपको झूठ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है सच बताने में भी बरकत होती बहुत तो, तो, नहीं नहीं है बहुत बढ़िया और छोटा ये, छोटा रहेगा ये शक्ल में भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए अच्छा है ओके, ओके। ये खाली शक्ल शक्ल का बादाम है ये इतना बढ़िया कैसा है टेस्ट में भी अच्छा है मगर आपको लगेगा उस ये ये लगेगा आपको खाने में हल्का सा आटा खाना है अच्छा क्योंकि ये फार्म का है ये टोटली शुद्ध ऑर्गेनिक है हल्का सा आपको लास्ट में ये, लास्टा रुखा रहता है पाउडरी तो पाउडरी रहेगा ये ये देखिए आप ये। मैं आपके सामने हाँ ये देखिए जब ये बहुत बड़ा पीस ले लिया आपने दोनों तोड़ते हम इसका ऐसे पाउडर बनता है ये देखिए आप हालांकि इसमें भी हल्का हल्का ऑयल निकलता है इसमें ऑयल है वो, वो बेनिफिशियल नहीं आ, है आप ये कह रहे हैं कस्टमर लीजिए हमें शौक से हम ये टन के टन दे सकते हैं वो बात नहीं है हमारा दो यूनिट है अलहमद और एक यूनिट अच्छा तो क्या वजह है जब कश्मीरी बादाम जो इतना फेमस है आप, आप, आप बोल रहे हो कि बेटर भी है तो आप प्रोडक्ट पे कैलिफोर्निया बादाम क्यों रख रहे हो कैलिफोर्निया बादाम हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन में दिखने में यही लेते हैं फंक्शनों के लिए ये बड़ा है तो... खाली हाँ ये बड़ा है ओके जो पर्सनल खाने के लिए लेते वो तो कश्मीर का लेते हैं ये शादी वगैरह में जो के हैं कौन सी चट्टी है ये बोलने की ये कौन सी मजबूरी है हम क्लियर बताए थे की लोग क्लियर हो जाए क्यूँकी आधे लोगों को इसी को बोलते है ये बोलते अफगानी मामरा यही है ऐसे अफगानी मामला भी, भी आता विद्षाल, okay. विद्षाल वाला है हमारे चले, चले, बहुत बड़ा वन तो थाउजेंड पर के हमारा कश्मीरी, कश्मीरी, बदाम। कश्मीरी ये ये वाला, ये वाला ट्री है रुपीस। हाँ, ये वाला है सोलह सौ रूपए का है ये कश्मीरी करवट है अच्छा ये थर्टी हंड्रेड ये तो कश्मीरी दो बदाम है तेरह सौ रूपए है और एक हजार अस्सी रूपए पर के जी के हिसाब से है और दूसरा हमारे पास लोगों को क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास जो एप्ली है आप ये फाइव सिक्स पीसेज पानी में रखो मॉर्निंग में आपको पानी में रखना है फिर आपको इसकी घुटनी निकालना है या इवनिंग टाइम आपको फाइव सिक्स पीसेज ऐसे ये पानी में रख दीजिए मॉर्निंग में आपको लगेगा ये अभी पेट से उतारा है अच्छा, इसके अंदर जो गुठनी है वो तोड़ना वो बादाम खाना और एप्रीकाड भी खाना ओके क्योंकि जब तो गुठली के अंदर भी जबड़ेंगे तो बादाम हाँ, निकल वो बादा। जब मैदा साफ हो जाता है आधी लोगों की मैदे की दर्द होती है हाँ। हजम नहीं होता है या किसी को बवासिरी होती है या किसी के स्किन में वो पिम्पल निकलते हैं ये सबसे बेस्ट है स्किन के लिए खून सफाई के लिए शुगर के लिए सबसे बेस्ट है ये ओके जी ओके जी और दूसरा है हमारे पास मिक्स फ्रूट जो ये मिक्स फ्रूट है हमारे पास इसमें 17 क्या क्या मिलेगा लोगों को इसमें मैंगो है है रेड चेरी है इसमें आहा? और आलमंड है कैशोनट है अंजीर होगा उसमें वालनट गिरी भी होगी इसमें टोटल सेवनटीन वेरायटीज इसमें मिक्स होंगे होंगी वेरायटी ये कितना रुपया किलो आ जाएगा सर नाइन हंड्रेड रुपीज के जी नौ सौ रूपये के जी जी किसी को अगर कस्टम चाहिए यानी कोई शायद कीवी नहीं खाता होगा मैं वो कस्टम बना बना के के दो आप उनको बना के जो भी आते कोई बताता है कि गुलजार भाई हमें टोटली सीड्स मिक्स करके बना के दे दो वो भी अवेलेबल है कोई बताएगा कि हमें यही फ्रेश फ्रूट्स दे दो वो भी हम बना के दे सकते हैं ये कस्टमर को अपनी मर्जी है हमें हमारा काम है पैक करना और किसी का भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमें खाली सीड्स दे दो या अलग अलग पैक करके दे दो वो भी हम दे सकते हैं okay. मगर अलग अलग पैक में कम से कम सौ ग्राम हम दे सकते हैं चलिए बहुत बढ़िया हम तो पहले अवेलेबल है वहाँ वहाँ हम कैश ऑन डिलीवरी करते है उसके बेच जहाँ जहाँ ओडी लोकेशन होता है वहाँ पे तो प्रीपेड होता है ओके इसके अलावा शिलाजीत शिलाजीत का क्या रेट चल रहा है शिलाजीत आपने क्या बोला शुरुआत में थर्टी रुपीज का जो होता है वो महंगा भी होता है उसमें पावर भी होता है हम कहा के हम भी कश्मीर के ही है न हमारे पास कहाँ का होगा लद्दाख का भी होगा किश्तीवाड़ का भी होगा और हमारे पास जो है ये होलसेल में है थर्टी रुपीज वन ग्राम तो यानी कुछ लोग जो हायर प्राइस का बेचते है

और दूसरी बात ये हमारे पास जो ये केसर है इसका भी हम लेबर पड़ देंगे ये टोटली शुद्ध ऑर्गेनिक है कश्मीरी साम्रांड्रेड ट्वेंटी रुपीज चार सौ बीस रुपए हाँ, क्यों केसर आपके पास क्योंकि मैं आपकी बहुत तारीफ करता था कि भाई सबसे सस्ता जो केसर है गुलजार भाई बेचते थे

नहीं, नहीं नहीं कर देते उस वक्त क्रॉप ज्यादा निकलता था okay. उस हिसाब से हम आ, सस्ता ही बेचते थे ठीक है जब क्रॉप कम निकलेगा डिमांड ज्यादा होती तो ऑटोमेटिकली ये महंगा हो जाता okay, okay. जीत भाई हमारे पास ये जो कश्मीर का बादाम है ये एक एक ट्रीका है ये देख लीजिए आप एक ये शेल एक वाला है है हाँ। पर ये तो बादा ये तो बादाम नहीं कुछ और है ना ये पिकेनट है पिकन नट। जी जी ये है देखिए जब कस्टमर हमें कॉल करते हैं ना गुलजार भाई देखिए ऑर्गेनिक जो कश्मीर का बादाम है ये दांत से भी तोड़ना पड़ेगा हाथ से भी टूटेगा कोई किसी बादाम में ज्यादा गिरी होती है तो वो दांत से तोड़ना पड़ता है तो देखिये वीडियो में हम दिखा रहे हैं एक एक ट्रीका इस तरह तो जब ऑर्डर होते, होते, होते है अगर ये स्टॉक खत्म होता है दूसरी ट्री का अवेलेबल होता है फ्रेश क्राफ्ट तो डिफरेंट शेप्स इसके होते हैं फिर हमें कस्टमर बताते हैं कि जो आपने वीडियो में दिखा है वो नहीं आया है ये डिफरेंट शेप्स है अखरोट जो कश्मीरी बादाम है ये ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि ये सिंगल ट्री का आता है ओके ओके है। ये तो, सेम क्वांटिटी कभी नहीं आएगी तो अभी क्या यूनिफॉर्म रेट है सबका जी सब अलग अलग है एक एक ट्री का है कागजी है कश्मीरी ऑर्गेनिक बादाम फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज वन के जी है और ये जो आएगा ये है नाइन हंड्रेड रुपीज

ये खाइए आप आई थिंक ओल्ड क्रॉप है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये देखिए आप अगर ऑयल इसमें फिर भी बराबर है जी कितने का बोला आपने इसका प्राइस नाइन हंड्रेड रुपीज़ नाइन देखिए भैया ओके ओके ठीक है अब ये जो हमारे फैजान भाई लेके खड़े हुए हैं ये अलग बादाम है उसमें जी ये हो गया कागजी और ये हो गया बटर पेपर बादाम जो हाथ से टूटने वाला है इसमें है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी ग्राम गिरी निकलती है इसमें एक किलो मेंंड्रेड फिफ्टी ग्राम अरे ये सारा सेम है ये देखिए जो भी ये देख लीजिए आप इसमें छिलके का वजन कम होता है और 650 ग्राम वन के ये जाता है 650 हंड्रेड फिफ्टी रुपीज के जी साढ़े छह साढ़े छह सौ रुपये बटर पेपर ये सेम साइज से ही होगा इसमें इतना छोटा होगा ना बड़ा होगा सेम साइज है ये मलाई बाद ये देखिए आप ये लीजिए आप, आप। इसमें जो भी तोड़ेंगे गिरी बराबर साइज की निकली हाँ ओके हाँ ओके गुलजार भाई ठीक है गुलजार भाई और बेरीज वगैरह कुछ है वो बता दीजिए और है हमारे पास ये देख लीजिए आप ब्लैकबेरी uh, होती है हमारे पास ब्लैकबेरी है ये कितने क्या रेट चल रहा है ब्लैकबेरी का रुपीज़ के जी छः सौ रुपये पर के जी, जी। uh -huh. और है हमारे पास रोजबेरी ये है एट हंड्रेड रुपीज़ के जी आठ सौ रुपये पर के जी uh, और है क्रैनबेरी हमारे पास ये है नाइन हंड्रेड रुपीज़ नौ सौ रुपये पर के जी और है सीडलेस एप्रिकाट यह आएगा इलेवन हंड्रेड रुपीज़ के जी uh -huh. जी किश्मिश? और है बटरफ्लाई किशमिश ये आएगा फोर हंड्रेड रुपीज़ के जी और है ये नॉर्मल किशमिश आएगा थ्री हंड्रेड रुपीज के जी okay. और है ये मिक्स मिक्स सीड सीड एंड नट्स है और कश्मीरी मामरा इसमें है और काजू है, इस है इसमें बाकी सीड्स तो है इसमें यह आएगा नाइन हंड्रेड रुपीज के नाइन हंड्रेड रुपीज ये है बिग अफगानी किशमिश ये फोर हंड्रेड रुपीज के जी है ये मैंगो है ड्राई मैंगो ये आठ सौ रूपए के जी है ड्राई मैंगो है आठ सौ पर के जी ये ये क्या है

रेड चेरी रेड चेरी है 900 रुपीस रुपीज के जी तो बाकी भाए? भी आइटम्स हमारे पास क्या हनी का क्या दाम चल रहा है आपने पास 760 रुपीस सिक्सटी रुपीज के सेवन हंड्रेड एंड विच विच हनी एकेशिया हनी है हमारे पास कश्मीर की uh, उस पर अपनी फर्म का नाम भी रहता है सो so, एक किलो हनी जो है ये आधा ये तो कितना पाव किलो का डब्बा है ये हाफ के जी का है हाफ के जी है जी कितने का आएगा ये ये सेवन हंड्रेडी रुपीज से uh, जी आएगा साढ़ेटी फाइव थ्री एटी के करीब ओके ओके सर और सर मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए देखिए आधा आधा के भी कर सकते हैं अगर एक केसर भी ऑर्डर करना है एक ग्राम हाँ, कर लो ना कोई इशू नहीं हमारी वजह से कोई ये नहीं मजबूर होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा रिस्क लें तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाल लाल है क्या चीज़ है ये है रेड पीच है यहाँ ये ये देख लीजिए आप वाह आर्टिफिशियली के नेचुरली ऐसा होता है नहीं ये प्रिजर्वेटिव रहता है अच्छा कितने का आएगा है? ये आठ सौ रुपये विद सीड ना जी जी ओके ओके ये, ये, ये जो सबकी फेवरेट है मसाला टिक्की कितने की आ जाएगी कश्मीरी मसाला टिक्की ये कश्मीरी मसाला टिक्की है 190 180 रुपीस आएगा ये कितना ग्राम जी इसमें है टोटल टू हंड्रेड ग्राम है टू हंड्रेड ग्राम एक सौ अस्सी रुपए कावा कावा का क्या रेट चल रहा है है कावा तो so, कितने कप्स बन जाएंगे इसके अंदर फोर्टी कप फोर्टी कप इसमें निकलेंगे कौन से वाले वेवे की बात करें पाउडर फॉर्म के ये, ये पाउडर फॉर्म की वाला ये है आहा? बेस्ट सबसे बेस्ट ये जो खांसी जुकाम के लिए लगता है ये रवा है इसमें रोज पेटस भी है ग्रीन टी भी है भी है mm -hmm. तो हर एक वेराइटी है और साफरान ब्रोकन भी रहता है इसमें कितने का आज तो ये है थ्री हंड्रेड रुपीज ये वाला है, 300 रुपीस या आ या जाएगा टू हंड्रेड से हमारे पास है भाई इनका जो अपडेटेड कैटलॉग है वो तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है आप उसपे क्लिक कीजिए ये अपडेट करते रहते हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है जी जरूर। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है आप सिर्फ लिंक क्लिक कीजिए आप अगर 2025 में भी वीडियो देख रहे हो तो आपको लेटेस्ट प्राइस मिलेगी ठीक है नंबर गिवन ऑन स्क्रीन डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू